then write it to. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें, पाठ तीसरा। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। दोस्तों, आज हमारे अभ्यास का दिन है। पिछले दो पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको आसानी रहे। What is your name? Maya. Where do you live? Gopalpura. What is your mother's name? My mother's name is Seema Kushwaha. What is your father's name? My father's name is Shankar Kushwaha. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप कहीं भी हो, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना शर्माए और बिना डरे, क्योंकि इसी तरह बोलते बोलते ही आपकी अंग्रेजी सुधरेगी और संवरेगी। आज के पाठ में तुम सबको एक दूसरे से प्रश्न पूछने हैं। घंटी बजने पर टीचर जी दो लड़कों को या लड़कियों को खड़ा करेंगे और फिर मैं एक प्रश्न पूछने को कहूंगी, जिसे एक बच्चा पूछेगा और दूसरा उसी प्रश्न का उत्तर देगा। समझ गए ना? दो बच्चे तैयार है ना? अब एक बच्चे को दूसरे से अंग्रेजी में उसका नाम पूछना है और दूसरे को उत्तर देना है। शुरू करो। What is your name? ऐसा ही सवाल पूछा ना तुमने, और उत्तर सही दिया कि नहीं? अच्छा, अब टीचर जी दूसरे दो बच्चों को चुनेंगे। दो बच्चे खड़े हैं ना? देखो, तुम दोनों अब ऐसा करो, पहला बच्चा दूसरे से अंग्रेजी में उसकी माँ का नाम पूछे और दूसरा बच्चा जवाब दे। इसके बाद पिता का नाम पूछना है। समझ में आया ना? पहले माँ का नाम, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में पूछना है। शुरू करो। गुड। What is your mother's name? What is your father's name? ऐसे ही पूछा ना, और सही उत्तर दिया कि नहीं? My mother's name is, my father's name is, इन शब्दों का ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं? हम लोग अब कुछ दूसरे सवाल जवाब का अभ्यास करेंगे। अब अगर किसी से पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, तो कैसे पूछेंगे? Where do you live? घंटी बजने पर टीचर जी दो बच्चों को खड़ा करेंगे। दो बच्चे खड़े हैं ना? एक बच्चा अंग्रेजी में पूछे, तुम कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहती हो, और दूसरा बच्चा जवाब दे।
Where do you live? ऐसे पूछा ना सवाल. I live in गोपालपुरा. या जहां भी तुम रहते हो ऐसे ही जवाब दिया ना. गुड. अब तुम्हें इसी तरह आगे अभ्यास करना है, जोड़ी जोड़ी से एक दूसरे को अंग्रेजी में सवाल पूछना और जवाब देना. पाठ खत्म होने पर 15 मिनट टीचर जी अब तक सिखाए गए प्रश्न उत्तर बाकी बच्चों से भी कराएंगे. पर उससे पहले सुनते हैं एक कहानी. नमस्कार, हम हैं खेला राम. आप सुनने वाले हो एक मजेदार कहानी. कहानी में जो हिंदी है वो तो समझ में आएगी ही, पर अंग्रेजी भी सुनो और देखो तुमको समझ में आती है या नहीं. इसी तरह सुन सुन कर ही तो हम लोग सीखते हैं. ये जो पूरा प्रोग्राम तुम सुनोगे इसी के बीच बीच में मैं आऊंगा मजेदार खेल लेकर. दोस्तों, आज खेलाराम तुम लोगों को अमित का खेला सुनाने जा रहा है. अमित था बच्चा, अकल का थोड़ा कच्चा. अपने बड़े भाई की साइकिल चलाने का था उसे बड़ा चस्का, मगर उसकी अम्मा ने कह रखा था बड़े भैया की साइकिल को छूना भी नहीं. एक दिन दोपहर में भैया घर में नहीं थे, साइकिल बेकार खड़ी थी. अमित ने साइकिल चलाने की तरकीब सोची. देखिए आगे आगे क्या होता है. अमित हंसता है कि रोता है. क्यों क्यों क्यों, वाई कांट आई राइड भैया साइकिल? क्या करूं मैं, आज तो मुझे साइकिल चलानी ही है. यस आइडिया, दोपहर में मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं, भैया भी क्लास में साइकिल लेकर नहीं जाते, सो एट दैट टाइम आई कैन राइड भैया साइकिल. इधर उधर साइकिल चलाते घूमते घामते एक बड़े पत्थर के पास अमित ने ब्रेक लगाया. तभी एक अजीब बात हुई. पत्थर के अंदर से एक आवाज आई. Who is that? कोई नहीं है, लगता है मुझे धोखा हो रहा है. Let me go on. ए लड़के. कौन है? Who is that? हा हा हा, छोड़ इस बात को. First tell me. What is your name? Tell me, what is your name? My name is Amit. That's okay. I know your name. How old are you? I am 7 years old. 7 साल के? You are only 7 and cycling all alone. And such a big cycle. तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इतनी बड़ी साइकिल अकेले चलाने कैसे दी? मुझे. What is your mother's name? My mother's name is Asha Agarwal. What is your father's name? My father's name is Arvind Agarwal. So they let you cycle all alone? They don't know about it. मम्मी पापा को नहीं पता. साइकिल किसकी है? मेरे भाई की. भाई की मतलब? कौन से भाई की? How many brothers and sisters do you have? I have one brother and no sister. So this is your brother's cycle? And why have you taken it? I like to ride on a cycle. I wanted to ride it on the big road. Big road? Where do you live? I live near Jawahar Park. Please. मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो. ऐसा मतलब क्या? प्लीज प्लीज, मतलब बिना पूछे अब मैं साइकिल कभी नहीं चलाऊंगा. आई वॉन्ट डू इट अगेन. अब अपने किए की सजा सुन. आई विल सिट ऑन योर साइकिल एंड कम विथ यू टू योर हाउस. पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तेरी साइकिल पर पीछे ही बैठा हूँ. ठीक है, पर मैं. कम ऑन, स्टार्ट साइकिलिंग. ओके. तू
साइकिल बहुत अच्छी चलाता है। यू साइकिल वेल। थैंक यू। ओ दिस इज योर स्कूल। हाउ डू यू नो माय स्कूल? आई नो एवरीथिंग। यू बी क्वाइट। ध्यान से साइकिल चला। बट हु आर यू? आई विल नॉट टेल यू। तुमको कहाँ जाना है? टू आवर हाउस। आवर हाउस? हमारे घर? मतलब हु आर यू? मुझे मुड़कर देखने दो। अरे भैया, तो आप मुझे डरा रहे थे। व्हाट इज दिस भैया? बट अमित, यू डिड समथिंग रॉन्ग। आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। तुझे गलती का एहसास होना चाहिए। यस भैया, आई एम सॉरी बट आई रियली वांटेड सो मच टू राइड योर साइकिल। ओके ओके। अमित, अच्छा चलाता है तू। तो मुझे रोज आप एक छोटा चक्कर चलाने देंगे? यस ओके। मगर आज के बाद तू लुक छिप कर तो कोई काम नहीं करेगा ना? नो, आई विल नॉट डू इट अगेन। आई एम सॉरी। बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त हुआ। याद है ना, अगले 15 मिनट टीचर जी पहले की तरह अभ्यास करवाएंगे। अगला पाठ जरूर सुनिएगा। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब